खैर अच्छी खबर सिर्फ कांग्रेस के लिए तेलंगाना से है, वहाँ गैप अच्छा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आगे है 44 पर, अभी 78 में। तेलंगाना में भी गैप अच्छा नहीं है। आप AIMIM तो BRS के साथ ही मानिए ना। हाँ, तो 47-37 47 और राजस्थान में बहुमत के आंकड़े पर पहुंच गई है बीजेपी। 100 का आंकड़े छू लिया है बीजेपी ने राजस्थान में, 100 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है। इसमें आप देखिए कि बीजेपी ने हर फैक्टर पर देखें तो बढ़त बनाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीटें मानी जा रही थी, वहां पर बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई है। वो पूर्वी राजस्थान की सीटें जो हैं वहां पर अच्छी बढ़त बनाई है। गुर्जर फैक्टर की 24 सीटों में 6 सीटों के भी रुझान आए हैं, 4 बीजेपी के पक्ष में। वो चारों की चारों पिछली बार कांग्रेस के पास थी और 2 कांग्रेस के पक्ष में, उनमें से 4 का माइनस हो रहा है। मारवाड़ में अगर देखें तो बीजेपी 4 सीटों पर, कांग्रेस प्लस 7 सीटों पर आगे, लेकिन कांग्रेस को वहाँ -2 का नुकसान। हड़ौती में कांग्रेस को -2 का नुकसान, 3 सीटों पर ही आगे। तो हर क्षेत्र में कांग्रेस को नुकसान होता हुआ, बीजेपी को फायदा होता हुआ। हर अजय मरे को देखें वहाँ पर बीजेपी को 1 सीट का फायदा होता हुआ। मेवाड़ में ज़रूर बीजेपी कांग्रेस से पीछे है, मतलब सीटें इधर से उधर होने में, लेकिन कांग्रेस को वहाँ पर +2 हो रहा है। लेकिन बाकी सब इलाकों में बीजेपी आगे हो रही है राजस्थान में। तो जेटली साहब, वहाँ तो बहुमत का आंकड़ा छू लिया अभी रुझानों में राजस्थान में। राजीव जेटली से सवाल है मेरा। हाँ बिल्कुल, राजस्थान में मध्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप लीड कर रहे हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं। क्या दोनों राज्य में क्या शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होंगी राजस्थान में और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में? नहीं नहीं बहुत अच्छी बात, चलो कम से कम ये यहाँ पे शुरुआत। देखिए मैंने किशोर जी आपको कल भी आपके एक शो में था, मैं आपसे बोल रहा था कि अब चर्चा ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तो जिनके अभी तक जो शब्द थे वो कहीं ना कहीं प्रो कांग्रेस चल रहे थे, उन्होंने ये बात तो स्वीकार करनी शुरू कर दी कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये अपने आप में दर्शा देता है कि अब ये जो औपचारिकताएँ रह गई हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि चुनावी गणना, वो हो रही है। उसके बाद तो आपको पता है, अब थोड़ी देर के बाद चर्चा यही होने वाली है कि हम छत्तीसगढ़ में किसको अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, मध्य प्रदेश में किसको, राजस्थान में किसको बनाएंगे, तेलंगाना के अंदर। जी जी, एक मिनट, प्रभात जी का सवाल। राजीव भाई कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तक की हालत पतली है, तो उत्तराखंड के अंदर धामी साहब चुनाव हार गए थे जेटली जी, याद कीजिएगा। और पार्टी तो जीती थी ना, पार्टी तो जीती थी, अरे आपको बहुमत आई थी। तो ऐसी बातें कम से कम आप तो ना करें तो अच्छा लगेगा। जिस प्रकार से आपके दिमाग से सिंधिया जी नहीं निकल पा रहे, उसी प्रकार से अभी पायलट जो है सचिन पायलट, सिंधिया जी को तो जनता नहीं निकाल दिया। सचिन पायलट जो है वो चाहे, सिंधिया जी को जनता नहीं निकाल दिया। कांग्रेस का व्यवहार ऐसा रहेगा तो सचिन पायलट वो चाह रहे हैं जाए। चंबल और ग्वालियर में सिंधिया जी को दिखा दिया जनता ने कि गद्दारी नहीं सहेंगे। राजशाही अहंकार उनका ये है, अपमान कर रहे थे अपने गुजर नेता का, तो गुजर वोट कहाँ से मिलेगा? अरे वो आप देख लेना, अभी रिजल्ट आने दो, इतना क्यों दावा। अच्छा, मतलब ये राजस्थान मध्य प्रदेश में शुरुआती है अभी? नहीं, मैं चारों की बात कर रहा हूँ, हर कोई शुरुआती है, अभी आने तो दीजिए। अभी से लड्डू अगर फूट रहे हैं तो फूटे, 2 घंटे बाद पता चल जाएगा, ये पलट जाएगा। अच्छा कौन कौन सा पलटेगा? कर्नाटका में भी ये बजरंगबली को लेकर के खूब चल रहे थे। आज आपने राम जी का दिखा दिया कि राम जी को दिखा रहे हैं, बजरंगबली तो यही बोल रहे थे कर्नाटका में, दिखा दिया ना बजरंगबली क्या होते हैं। इतना बड़ा गैप होता जा रहा है, 104 पर बीजेपी, 76 पर कांग्रेस है, 183 के रुझान आए हैं राजस्थान में। आप कह रहे हैं ये अभी शुरुआती है, पलटेगा? मैं आश्वस्त हूँ, वर्ल्ड कप फाइनल के नतीजों को देखा था मैंने, तो मैं आश्वस्त हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन बात वही होगी। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको पीछे लेके जाएगा। इनकी तरफ से सुनो तो चित भी मेरी पट भी मेरा। आप ओवरऑल किशोर जी देखिए कि चारों राज्यों में केवल एक सरकार केंद्र का स्टेट लेवल पे मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ में थी, बीजेपी उसको सस्टेन करी बैठी है, अकाउंटेबिलिटी वहाँ बनाई हुई है। दूसरी तरफ राजस्थान में लीड कर रही है, छत्तीसगढ़ में टक्कर दे रही है, और तेलंगाना में भी आप देखिए कि BRS और AIMM दोनों को हम एक ही लेके चलेंगे। उसके हिसाब से कांग्रेस ने वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक को अटैक करने का पूरा प्रयास किया है। अच्छा बीजेपी की बात कर रही हो या BRS और AIMM की? मैंने पहले तीनों हिंदू बेल्ट, मुझे डाउट होता है, तीनों हिंदी बेल्ट की बात करी है, तीनों मिलकर सरकार बनाने यहाँ पे आप क्या शो गहलाते, वो तो पीछे चले गए। मैं कह रहा हूँ मुझे तो लगता है कहीं सचिन पायलट भी बीजेपी के पास आ जाए और आपको डेंट AIMM के साथ सरकार बना रही है। आपको तो केवल आपको ये देखना है।